अस्सलाम वालेकुम, मैं हसना रेहान खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने YouTube चैनल अवी ग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज मैं आपको ये जेलीफिश का टॉय बनाना सिखा रही हूँ और यहाँ पर मैंने नीचे कलरफुल घुंघरू भी यूज़ किए हैं। इसके अलावा ये इनके टेंटिकल्स हैं और ये हेड और आईज। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सेक्शन बनाया है, आप चाहे तो आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्यूट है, चाहे आप इसको गाड़ी वगैरह में भी हैंग कर सकते हैं या अपनी गाड़ी के बैक साइड पे भी रख सकते हैं, इसको आप घर में कहीं लटका सकते हैं, बहुत ही क्यूट लगता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ साइज 4 मिलीमीटर क्रोशेई हुक। ठीक है, अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं आप हुक साइज बड़ा कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप, जैसे कि मैं अभी सफ़ेद ऊन यूज़ करूँगी बाली का, ठीक है, आपने क्या करना है, आप 5 to 6 मिलीमीटर का हुक लेंगे और एक साथ दो गोले यानी एक साथ दो सिरे इस्तेमाल करेंगे तो वो और बड़ा साइज़ बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो टेंटिकल्स जो हम इसके बनाएंगे उसके लिए मैं कलरफुल ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी बचा हुआ ऊन हो आप वो ले सकते हैं, येलो, ग्रीन, बेबी पिंक, पर्पल, लाइट ब्लू, डार्क पिंक, रेड, मैंने ये कलर्स यूज़ किए हैं। आप इसके अलावा पेस्टल कलर्स पे जाना चाहें, खाली ठंडे ठंडे पेस्टल कलर्स यूज़ करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चल के बनाते हैं हमारी जेलीफिश। हाँ जी, तो सबसे पहले हम जेलीफिश का ये टॉप हेड और ये बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ सेंटर से और इसका हम हेड बना रहे हैं पहले। ठीक है, मैंने जो आईज इसमें यूज़ की हैं वो 6 मिलीमीटर हैं, आप इससे बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक स्टिचेस नहीं आते हैं तो प्लीज़ पहले वो सीख लीजिए, सयाख लीजिए कहने वाली थी मैं, सीख लीजिए ताकि आपके लिए वीडियो इजी हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है मैजिक सर्कल। तो ये हम बना रहे हैं मैजिक सर्कल, और मैजिक सर्कल बनाने के बाद इस सेंटर में मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक चेन, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ सेंटर को। अब हमने इस सेंटर में बनाने 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच और 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने इस सेंटर को बंद कर देना है। ठीक है, इस सेंटर को बंद करने के बाद अब जो सेकेंड राउंड हम शुरू कर रहे हैं, हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं देना है, हमने डायरेक्ट टाँकों में टाँके बनाते जाना है। इसलिए याद रहे कि आप अपना स्टिच मार्कर, मैं पेपर क्लिप यूज़ करती हूँ, ये बहुत अमेजिंग रहते हैं, आपने स्टिच मार्कर यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले वाले टाँके में गए और पहले टाँके में हम दो बनाएंगे और हर एक टाँके में दो, राउंड टू। तो हमने 6 से शुरू किया था, यहाँ पर ये मैंने बर्बादी फैला दी है, मैं फिर से खोल के ज़रा आती हूँ। हाँ जी, तो 6 सिंगल हमने बना दिए थे। अब हमने सेकेंड राउंड में क्या करना है कि हमने हमारा जो पहला टाँका सिंगल क्रोशे का है उसमें दो टाँके बनाने हैं। पहला लेने में थोड़ा सा मुश्किल होगी क्योंकि छोटा काम है, जब आप सिंगल क्रोशे से काम करते हैं थोड़ा सा फर्स्ट स्टिच लेने में, फर्स्ट राउंड में मुश्किल होती है, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे दो। अब यहाँ से हमने काउंटिंग करनी है क्योंकि अभी मैं शुरू में स्टिच मार्क का यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए ईजी नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप पहले टाँके पे, ये जो हमने पहला यहाँ बनाया है उसमें आप स्टिच मार्कर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ हर एक टाँके में बना रही हूँ दो टाँके, टोटल हमें चाहिए होंगे यहाँ पर 12। ठीक है, पहले हमने 6 बनाए और 6 में हर एक में हम दो दो बना रहे हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये 5, पांचवे में और ये छठे 6 स्टिच में दो बना दिए, ये आ गए हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं राउंड 3। राउंड 3 में क्या बनाना है, 1 2 1 2 1 2 पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट होगा। किस तरीके से कि पहला जो हमारा टांका है उसे हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब मैं मार्किंग करना शुरू कर रही हूँ, दूसरे में 2, 1 और ये 2, तीसरे में 1,
और फिर उसके बाद वाले में दो, यानी एक दो करके हमने ये पूरा पैटर्न इसी तरीके से बड़ा करना है। इस राउंड के एंड में आपके पास 18 टाके होंगे, तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो राउंड नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया है, राउंड नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। स्टिच मार्कर को आप हटाएंगे। पहले टाँके में राउंड नंबर 4 ठीक है शुरू हो रहा है। अच्छा, राउंड नंबर 4 में हमने पहले में एक बनाया, अब यहीं पे हम स्टिच मार्कर याद से लगा देंगे, फिर उसके बाद वाले में एक, और फिर उसके बाद वाले में दो टांके बनाने हैं, एक और ये दो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक दो, एक एक दो, ये पूरा राउंड हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है, एक एक दो करके, ठीक है। एक उसके बाद वाले में ये एक, और फिर उसके बाद वाले में दो। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया, 24 टांके होंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। हाँ जी, तो राउंड नंबर 4 मेरा कंप्लीट हो गया है, राउंड नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। अभी भी हमने टांके बढ़ाने ही हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टांकों तक एक एक बनाना है। ये पहले में एक बना दिया, स्टिच मार्कर लगा दिया हमारा, फिर उसके बाद एक, नेक्स्ट 3 टांकों तक एक एक, तो ये दो और ये 3, और चौथे टांके में दो बनाएंगे, एक और इसी सेम में दूसरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 टांकों में एक एक, एक दो और 3, और फिर चौथे टांके में दो बनाएंगे, एक और ये दो। तो ये राउंड हमने इसी तरह कंप्लीट करना है, यानी के 1 1 1 2, एक 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 दो, ठीक है। हर चौथे टांके में दो हैं और बीच में 3 टांके हमारे सादे हैं। पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। ट्विस्ट ना हो ना जबान, ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा खैर, इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल होंगे 30 टांके, ठीक है। टोटल 30 सिंगल क्रोशिया होंगे। अच्छा जी, राउंड नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, राउंड नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। हर एक टांके में एक बनाएंगे नेक्स्ट 4 टांकों तक, ठीक है। अभी भी हम इसको टांकों को बढ़ा ही रहे हैं, एक, ये हमारा शुरू है राउंड, यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा देंगे वापस, दो, 3 और 4, ठीक है। और पांचवें टांके में हम दो बनाएंगे, एक और ये दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 टांके सादे आएंगे, एक दो 3 और 4, और जो हमारा पांचवा टांका होगा उसमें हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, फिर नेक्स्ट 4 सादे और फिर पांचवे में दो। तो अभी हम कर रहे हैं 1 1 1 1 2, ठीक है। एक 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 दो, पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट करेंगे। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। हाँ जी, तो राउंड नंबर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने शुरू करना है राउंड 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, अब हम राउंड 7 शुरू करेंगे और ये भी हमें स्टिचेस बढ़ाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 टांकों तक, अभी हमने इससे पहले 4 टांकों तक एक एक बनाए, अब हम नेक्स्ट 5 टांकों तक एक एक बनाएंगे और छठे टांके को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये एक, दो, 3, 4 और 5, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम दो बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टांका है, एक और ये दो, ठीक है।
तो अभी हम नेक्स्ट 5 टाँकों तक एक एक बनाएंगे वापस, 1, 2, 3, 4 और 5, और उसके बाद वाले में 2, 1 और 2, ठीक है। और पूरा राउंड हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 42, 42 आई गेस कहते हैं 42 को, 42 टांके, ठीक है। हाँ जी, तो राउंड 7 कंप्लीट हो गया है। राउंड 8 हमारा आखिरी राउंड है, इसके बाद हमने टांके नहीं बढ़ाने हैं फाइनली। तो हमने राउंड 8 शुरू करना है। राउंड 8 में भी हमने बढ़ाने टांके वैसे ही हैं। अभी हमने 5 में एक एक बनाया, 6 में 2 बनाए, अब हम 6 में एक एक बनाएंगे और 7वें में 2 बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1 और याद रहे, अगर आप पैटर्न सही बना रहे हैं तो शुरुआत हम एक टांके से करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर हम अपना ये स्टिच मार्कर लगाते हैं। और ये मैं कंटिन्यूसली मतलब मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ये स्टिच मार्कर लगने को भी तैयार नहीं है ना फिर, ठीक है ना। और जो हमारा आखिरी टांका होगा ना, इसमें हमेशा 2 ही आएंगे, ये याद रखिएगा, लेकिन तब जब हम टांके बढ़ा रहे हों। लेकिन जब हम रेगुलर राउंड्स करेंगे तब तो ऑब्वियसली एक ही आएगा। नेक्स्ट 6 टांकों तक हर एक टांके में एक बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद 6। और हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं 7वें टांके में, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट 6 टांकों तक एक सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और जो हमारा 7वां टाका आएगा उसमें हमने 2 बनाने हैं, 1 और ये 2। इस राउंड के एंड में आपके पास 48 सिंगल क्रोशिया होंगे, यानी 48, ठीक है। राउंड नंबर 8 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू कर रहे हैं राउंड नंबर 9 से लेके 16 तक आपने हर एक टांके में एक ही बनाते रहना है, ठीक है। तो राउंड एंड राउंड आपने इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। राउंड नंबर 9 में शुरू कर रही हूँ, 9 से लेके राउंड नंबर 16 तक मैं हर एक टांके में एक बनाती जाऊंगी। स्टार्टिंग स्टिच पर लाजमी आपने स्टिच मार्कर लगाते रहना है इस तरीके से, और मैं आपसे मिलती हूँ जब तक कि मैं हर राउंड में एक एक बनाकर अपने 16 राउंड्स कंप्लीट ना कर लूँ, ठीक है। बेसिकली हम 8 राउंड्स बना रहे हैं बीच में। तो राउंड नंबर 9 से लेके राउंड नंबर 16 तक हर एक स्टिच में एक हमने बनाते जाना है। कोई इंक्रीसेस नहीं होंगे, कोई डिक्रीसेस नहीं होंगे, हर एक टांके में एक आपने इस पूरे राउंड में बनाते रहना है। राउंड्स एंड राउंड्स इसी तरीके से कंप्लीट होंगे, ठीक है। स्टिच मार्कर याद से लगाइएगा, स्टिच अभी खो गया तो फिर वापस सारा काम खोलना पड़ जाएगा आपको। तो हर एक टांके में मैं एक बना रही हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ राउंड नंबर 16 के एंड में, जहाँ मेरे 16 कंप्लीट हो जाएं। अच्छा जी, राउंड नंबर 16 हमारा पूरा हो गया है। अब इस राउंड के एंड में मैं यहाँ पर इसको सी लेती हूँ पहले, ठीक है। हम अपने काम को इस तरह इनसाइड आउट निकाल के, आपने अपनी ऊन की सुई वगैरह जो भी है आपने लेके इस सेंटर को आपने याद से सील करना है, क्योंकि अगर इस पर जोर आएगा तो ये सर्कल डैमेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब खुल जाएगा और फिर इंसान इतनी मेहनत करे और फिर मुसीबत के सेंटर खुल गया, ठीक है। तो इसलिए इसको लाजमी टाइट करें और गिठान लगा दें, और इसको हम यहीं छोड़ देंगे क्योंकि अभी हम एंड में स्टफिंग वगैरह करेंगे, स्टफिंग में ही चला जाएगा, तो उसको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका 16 राउंड्स तक इस तरह से रेडी हो जाएगा। सुई मेरी टेढ़ी हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, अच्छा जी, सेंटर हमारा सील हो गया है। अब हम शुरू कर रहे हैं राउंड नंबर 17। अब हम डिक्रीज यानी कि टांकों को घटाएंगे, ठीक है। स्टिच मार्कर हटाया है, पहले टांके में हमने
एक सिंगल बना के इसको लगा दिया। अच्छा, नेक्स्ट 6 टाँकों तक हमने हर एक में एक बनाना है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और जो हमारा सातवां टाँका, सातवां जो हम बनाएंगे वो है, हम यहाँ पे करेंगे इनविजिबल डिक्रीज। इनविजिबल डिक्रीज क्या है? ये आपका जो नेक्स्ट स्टिच है उसके दो सिरे हैं, एक पीछे एक आगे। आगे वाला सिरा इस तरह से लिया, फिर उसके बाद वाले टाँके में डायरेक्ट आगे वाला सिरा लिया और फिर ऊन लिया और फिर सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो आपने दो टाँकों को एक कर दिया है। फिर नेक्स्ट 6 में एक एक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और उसके बाद फिर से डिक्रीज, टाँका घटाएंगे। दो सिरे हैं, पहले सिरे में गए, उसके बाद फिर डायरेक्ट दूसरे स्टिच के पहले सिरे में ऊन लिया और फिर रेगुलर सिंगल कर दिया। तो ये राउंड आपने ऐसे ही कंप्लीट करना है। इस राउंड के एंड में आपके पास 42 टांके बचेंगे। ठीक है, ठीक है जी। राउंड नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 6 टांकों में एक एक और फिर डिक्रीज यानी कि टांका घटा दिया। अब राउंड नंबर 18 शुरू करेंगे। हर एक टांके में एक बनाएंगे, टोटल 42 ही रहेंगे। ठीक है, ये राउंड सिर्फ हमने हर एक टांके में एक बनाना है, ना कोई स्टिच बढ़ेगा ना कोई स्टिच घटेगा। राउंड नंबर 18। तो हर एक टांके में एक बनाइए और मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं ये राउंड कर लूँगी पूरा, यानी कि राउंड नंबर 18। जी, राउंड नंबर 18 पूरा हो गया है। स्टार्ट कर रहे हैं राउंड नंबर 19। ये भी हमारा डिक्रीज राउंड है। बस अभी हम लास्ट स्टिचेस घटा रहे हैं, उसके बाद हमें इसमें कोई स्टिच नहीं घटाना। तो पहले नेक्स्ट 5 टाँकों में एक एक टाँका बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और उसके बाद फिर से इनविजिबल डिक्रीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेक्स्ट 2 टाँकों के ये पहले सिरों में इस तरह से गए, ऊन लिया और रेगुलर सिंगल क्रोशिया कर दिया। तो हम बना रहे हैं नेक्स्ट 5 टाँकों में एक एक सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम 2 टाँकों को एक करके बना देंगे डिक्रीज स्टिच। ठीक है, ये मैंने यहाँ डिक्रीज किया था 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर इनविजिबल डिक्रीज। इस राउंड के एंड में आपके पास टाँके बचेंगे 36 यानी 36। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका बॉर्डर बनाना। अच्छा जी, राउंड नंबर 19 हमारा एंड हो गया है। राउंड नंबर 20 शुरू करेंगे। अब हमें स्टिच मार्कर की ज़रूरत नहीं है, स्टिच मार्कर को हम हटा देते हैं। ये जो हमारा पहला टाँका है इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। राउंड नंबर 20, ठीक है, बॉर्डर बना रही हूँ मैं, ये वाला बॉर्डर। पहले में एक सिंगल, उसके बाद वाले टाँके को हमने छोड़ देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, यहाँ हमने पहले टाँके में सिंगल बनाया, उसके बाद वाले को स्किप किया और उसके बाद वाले में 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं आपने। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 डबल आपने बना दिए। फिर इसके बाद वाले को छोड़ देंगे और इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक टाँका को छोड़ा और उसके बाद वाले में सिंगल। फिर उसके बाद वाला टाँका छोड़ा और उसके बाद वाले में 6 डबल क्रोशिया। ये राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6 फिर उसके बाद वाले को छोड़ देंगे और उसके बाद वाले में एक सिंगल।
और फिर उसके बाद वाले को छोड़ के फिर उसके बाद वाले में 6 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं आपकी जो ये जो बॉर्डर है ये बन रहा है। ठीक है, तो मैं ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ इस राउंड के एंड में। अच्छा जी, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ पे ये लास्ट आपका जो टाँका आएगा, जहाँ पे आपका ये शेल बनेगा, फिर एक स्किप स्टिच आएगा और फिर आ जाएगा जो हमने शुरू में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो जो शुरू का हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये वाला टाँका नहीं, इसके बाद वाला, इसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच, एक चेन बनाएंगे और काम को कर देंगे कट यहाँ से हम। ठीक है, तो ये आपका जेलीफिश का हेड रेडी हो गया। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर लगाएंगे आईज, इसकी बनाएंगे हम ये स्माइल और इसके ये टॉप का नॉट अभी बनेगा। ठीक है, फिर स्टफिंग की बारी आएगी, तो ये आपने याद रखना है। तो अभी हम इसकी आईज लगा लेते हैं पहले। अच्छा जी, जहाँ पे मैंने काम को ख़त्म किया है वो काम मैं बैक साइड पे ला रही हूँ इस तरह से, क्योंकि इस तरफ मैं आईज नहीं लगा रही हूँ, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता मुझे। तो ये एंड पीछे आ गया, आप कहीं भी आईज लगा सकते हैं जहाँ पे आपका दिल करे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा राउंड है जहाँ पे शेल बना हुआ है, ये हमारा शेल है। ठीक है, इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से रो आ रही है, 1 2 3 4 5। ये जो फिफ्थ रो है इसका यहाँ पे देखें, ये सेक्शन हर जगह पे ये इस तरह के होल्स होंगे, तो आपने ये फिफ्थ वाले पे, यहाँ पे शेल है हमारा, इसके ऊपर वाली रो से 1 2 3 4 और 5, तो 4 और 5 के बीच में होल आएगा, उसमें आपने ये आई को इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, और अभी हम इसका ये प्रोटेक्टर नहीं लगाएंगे फिलहाल, हम पहले दूसरी आई लगा के देखेंगे कि बिल्कुल सही आ रही है या नहीं। ठीक है, बीच में हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाके छोड़े और 7th में ये आई लगा दी। अब अगर आपको लगता है गैप आई का बहुत ज़्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से उठाया और एक आँख इस तरह से लगा। ठीक है, और स्माइल इसकी यहाँ आ जाएगी, ये देखिए सही है, स्माइल इसकी यहाँ आएगी छोटी ही, आप ऊपर लगाना चाहें ऊपर, मगर मुझे यहाँ ज़्यादा क्यूट लगता है तो मैं यहीं लगा रही हूँ। आईज़ आपको लगे कि हाँ ये आईज़ बिल्कुल परफेक्ट लगी हैं, उसके बाद आपने प्रोटेक्टर ये लगाना है, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने ये डायरेक्ट लगा दिया ना, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, या आपने इसको फिक्स कर दिया आई को। आप गुगली आईज़ भी ले सकते हैं, जिसके अंदर वो एक टिड्डा सा बेचारा उसकी आंख के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, अच्छा मैं स्माइल, क्योंकि हमेशा की तरह मैं स्टिक करती हूँ, तो मैं एंड में करूंगी। अगर आपको सीनी है स्माइल तो आप अभी सीएंगे। ठीक है, अभी सीएंगे, मैं क्योंकि स्टिक करती हूँ, मुझे स्टिक करना ज्यादा सही लगता है फैब्रिक ग्लू से। फैब्रिक ग्लू से ये होता है कि वो अच्छे से स्टिक भी हो जाता है और ऊपर का मुझे सरफेस अच्छा लगता है इस तरीके से, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपने सिंपल 10, 12, 15 जितनी आपको बड़ी ये नॉट चाहिए, आप ये बनाकर यहाँ पर चेन अटैच कर लेंगी बिल्कुल इसके सेंटर में। क्योंकि मैं गिफ्ट बना रही हूँ, गिफ्ट देने के लिए, तो मैं यहाँ पर उस बच्चे का नाम ऐड कर रही हूँ, जो मैं, आप चाहें आप इस तरह से भी कर सकते हैं सेम जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो आपने लेना है धागा, धागे के एंड में बना देनी है एक अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की नोट। ठीक है, एग्जैक्ट आपने इसका जो सेंटर है, जो हमने मैजिक सर्कल का सेंटर जो हमारा था, उसके सेंटर से सुई को दिख गया, यस निकाल लिया, लेकिन आपकी जो नॉट है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसको होल्ड कर सके प्रॉपरली, ये मेक श्योर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एहतियातन एक और इस नॉट के ऊपर ही बना रही हूँ, ताकि ये नॉट कम से कम ऐसी हो जाए कि ये निकले नहीं बाद में। तो ये आपने जो उसका जो सेंटर है इसमें से इस सुई को इस तरह से ले लिया। बाद में हम इसमें नीचे अंदर ग्लू भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा इसको सिक्योर कर देगा। ठीक है, ये निकाल लिया, इसके बाद जो भी बेबी का नाम है, आप किसी को गिफ्ट, क्योंकि मैं गिफ्ट कर रही हूँ तो मैं उस बेबी का नाम ऐड कर देती हूँ। कलरफुल अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास ये,
ये इस तरह से नेम आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप चाहें आप उसके बाद धागे की भी बना सकते हैं नॉट, वरना आप ये रिंग लगा देंगे तो ये थोड़ा प्रोफेशनल टच दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रिंग को लगा देना है, ठीक है जी। इस तरीके से नेम आ गया और फिर हमने ये रिंग लेनी है और इस रिंग में हमने इस तरह से निकाला इसको रिंग को, और वापस से इस रिंग के अंदर से घुमाकर स्टिच को लाए इस तरह से। ये देखिए डबल आ गया आपके पास। और अब हमने ये डबल बनाने के बाद वापस से इन अल्फाबेट के अंदर से जाना है, ठीक है। तो वापस से इन्हीं अल्फाबेट्स के अंदर से हम इस सुई को निकाल देंगे, एक एक करके निकाल लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और फिर वापस इस सेंटर के अंदर से हमने ये इसको अंदर लेगा और यहाँ अंदर में हम नॉट बनाएंगे टाइट वाली एक सही से, ठीक है। तो ये इस तरह से लग जाएगा। ये मैं यहाँ पे कुछ थोड़े से फॉल्ट्स हैं इसको ठीक करके फिर आती हूँ और मिलती हूँ आपसे। ये देखें इस तरीके से ये नेम आ गया इसमें और ये इसको लटकाने के लिए की रिंग आ गई है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे थोड़ी सी और उसके बाद इसका नीचे का कवर बनाना है हमने, ठीक है। तो आपने लेनी है ये स्टफिंग, और याद रहे अगर आपको स्माइल बनानी है तो अभी बनाएंगे, अगर आप सी रहे हैं क्योंकि मैं स्टिक करूंगी तो इसलिए मैं अभी स्टफिंग कर रही हूं। ठीक है, अभी मैं इतनी ही कर रही हूँ। और ये देखिए ये इसका टॉप छोटू शाह पालू शाह रेडी हो गया है और अब हम इसका नीचे का कवर बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जेलीफिश का नीचे का कवर बना रहे हैं, सेम हुक साइज यूज़ करेंगे, बनाएंगे फिर से मैजिक रिंग। बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इसका ये कवर बनाना चाहते हैं ना, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं कंटिन्यू, वरना जो मैंने स्टार्टिंग का जेली फिश का जो हेड बनाया था ना, उसका एक से लेके सातवें तक राउंड सेम यही कंटिन्यू करें 42 स्टिचेस के साथ, तो एक ही चीज़ है। बस ये है कि हमने उसके सीने के लिए लंबा धागा छोड़ देना है। एक चेन बनाई और 6 सिंगल क्रोशिया कर दिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इनकेस जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जिनको नहीं समझ आता तो वो कंटिन्यू करें। 2, 3, 4, 5 और 6 बनाने के बाद सेंटर को करेंगे बंद। हर एक टांके में बनाएंगे 2 राउंड नंबर 2, ठीक है। तो हर एक टांके में 2 का मतलब है राउंड नंबर 2 में आपके पास होंगे 12 टांके। मैं 12 टांके बनाकर अफी आई, तो राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। हर एक में 2 बनाए तो टोटल आ गए 12। राउंड नंबर 3 शुरू करेंगे 1 2 1 2 वाला पैटर्न, ठीक है। पहले में 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, पूरा राउंड होगा इसी तरह कंप्लीट। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 18 टांके। मैं लगा देती हूँ पहले टांके में स्टिच मार्कर। तो हमारा पहला टांका है 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। तो इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया, 1 फिर 2। अब मैं यहीं पे पूरा ही कर देती हूँ, मैं आ तो गई हूँ वापस, बोलते बोलते ही बक बक ही ख़त्म नहीं होती ना मेरी। 2 और 1 और फिर 2, तो इसमें हम बनाएंगे 1 और 2, ठीक है। फिर स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे, स्टार्ट करेंगे राउंड नंबर 4। 1 1 2 मतलब पहले टांके में 1
उसके बाद वाले में एक, और फिर उसके बाद वाले में बनाएंगे दो, एक और दो, ऐसे। तो एक एक दो पूरा राउंड कंप्लीट करके मिलती हूँ आपसे एंड में। आपके पास होंगे 24 टाके। हाँ जी, तो राउंड नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। राउंड नंबर 5 हम कर रहे हैं शुरू, ठीक है। तो राउंड नंबर 5 में एक 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 दो, यानी कि हर नेक्स्ट 3 टाकों में एक और चौथे में दो, ठीक है। तो ये एक, ये दो और ये तीन, और उसके बाद वाले में हमने बनाने 2 टाके, ठीक है। 1 एंड 2, फिर उसके बाद वाले में एक, दो और तीन, और फिर उसके बाद चौथे में दो। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 30 टांके। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। राउंड नंबर 5 एंड हो गया है। राउंड नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। फिर से इंक्रीज करेंगे, हर नेक्स्ट 4 टांकों में एक एक टांका आएगा और पांचवे को करेंगे इंक्रीज, एक, फिर उसके बाद वाले में एक, दो, तीन और ये 4, और पांचवे टांके को हम बढ़ा देंगे। तो पांचवे टांके में आएंगे 2 सिंगल, एक और ये 2 सिंगल, ठीक है। फिर 1, फिर उसके बाद वाले में ये 2, फिर उसके बाद वाले में 3, फिर उसके बाद 4, और फिर 5th स्टिच को हम बना देंगे 2 टांकों में। तो एक और दो, ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। इस राउंड के एंड में आपके पास होंगे 36, 36 टांके। राउंड नंबर 6 कंप्लीट हो गया। फाइनली हम आ गए आखिरी राउंड पे, जो कि राउंड नंबर 7 इंक्रीज राउंड है। अब हम बनाएंगे 5 टांकों तक हर एक टांके में एक एक सिंगल क्रोशिया और छठे टांके में दो, ठीक है। एक, दो, तीन, 4 और 5, और अब इस वाले में हम 2 बनाएंगे, ठीक है। तो छठे टांके में 2, एक और ये 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 तक वापस एक एक और छठे टांके में 2। तो ये राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर रही हूँ। इस राउंड के एंड में आपके पास 42 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। ये हमारा लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। स्टिच मार्कर को करेंगे रिमूव और हम यहाँ पर दे देंगे एक स्लिप स्टिच और एक चेन बनाएंगे, और ऊन के सिरे को थोड़ा बड़ा लंबा छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसको चारों तरफ से उस जेली फिश पे सीना है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा ही छोड़ देते हैं, बच जाए ठीक है, बस कम ना हो। इस तरीके से हमने इसको कर लिया सिक्योर। इसको भी हमने टांका लगा देना है, और जो हमारा जेली फिश का यहाँ पे हमने सिरा छोड़ा था, इसको भी हमने छुपा देना है। तो मैं ये दो काम करके आती हूँ और फिर हम इसके बनाएंगे ये टेंटिकल्स, ठीक है। अच्छा जी, टेंटिकल्स के लिए मैं अभी कलरफुल ऊन यूज करूंगी। आप चाहें आप एक ही कलर के भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्लिप नॉट बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम चेन 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 चेन्स बनाने के बाद जो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट चेन है, ये वाली, इसमें नहीं, इसके बाद वाले में ऊन लिया, ये वाली नहीं, इसके बाद वाली में हमने बनाने हैं 3 हाफ डबल क्रोशिया, एक, दो और तीन, और हर एक चेन में हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। तो इसके बाद वाली चेन में भी 3 हाफ डबल क्रोशिया, एक, दो और तीन, और बीच बीच में कहीं कहीं आप 2 भी बना सकते हैं, मगर मोस्टली आपने 3 ही बनानी है हर चेन में। तो ये हर एक एक चेन में जब आप 3 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगी तो आप देखेंगी यहाँ से काम टर्न हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली।
तो ये मैं बनाकर आखिरी चेन तक आपने हर एक चेन में तीन तीन या दो दो, लेकिन दो बनाएंगे तो कर्व थोड़ा कम बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ऑल्टरनेट करती हूँ, किसी में तीन 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 फिर दो फिर तीन 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 फिर दो, क्योंकि अगर बिल्कुल ही दो दो बनाएंगे तो ये देखें जो टर्न आ रहा है ना इधर, ये से कर्व हो रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, हर एक टांके में, हर एक चेन में आपने तीन तीन हाफ डबल क्रोशिया एंड तक बनाते जाना है। अच्छा जी, एंड में जहाँ पे जिस स्टिच में आपने तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी स्टिच में आपने कर देना एक स्लिप स्टिच, एक चेन बनाई और उनको कट कर दिया। बहुत ज़्यादा बड़ा सिरा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसको बेस में गिठान लगा के, अच्छा ये इस तरह से दिखिएगा, लेकिन आपने क्या करना है, ये जो एंड का कर्व है इसको आपने इस तरह से रोटेट करते जाना है और पीछे जो बैक काम है उसको इस तरह से लाइन करते जाना है, जिस तरह मैंने आपको पहले फ्लावर वगैरह भी सिखाया था। ये देखिए, तो ये इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये अपनी कहाँ चली जाती हैं चीज़ें मेरी, हाँ घुंघरू लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना आप ना लगाएं। आपने टेंटिकल्स जो हैं इसके वो आठ बनाने हैं, आप सेम कलर के बनाएं आप डिफरेंट कलर के बनाएं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो ये आपने कोई भी धागा लेके इसको यहाँ पे सी देना है, और ये आठ मैं अलग अलग कलर्स के बना रही हूँ, आप एक सिंपल कलर के भी बना सकते हैं। तो आप बनाइए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको अटैच किस तरीके से करना है, और ये हमारा वीडियो का फाइनल पार्ट है। ये देख लीजिए, ये आठ मैंने कलरफुल बना लिए हैं, ठीक है, सबके नीचे बीच लगे हुए हैं, और हमने जो ये नीचे का इसकी बेस का पार्ट बनाया था ये सीधा हिस्सा है और ये उल्टा पार्ट है। मेक श्योर कीजिएगा कि सीधे की तरफ से अटैच करना है। तो आपने ये लेना है और आपने ये हुक ली अपनी, और कॉर्नर से हमने एक, ये वाला एक दो तीन, ठीक है, जो तीसरा हमारा यहाँ पे आप गौर से देखेंगे यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं, वन टू थ्री, जो थर्ड वाला है यहाँ से कहीं से भी, इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं क्योंकि पूरे चारों तरफ लगेंगे ये, कोई भी आपने एक कलर लिया उसका आपने एक सिरा लिया पहले, दो सिरे होंगे आपके पास, आपने एक सिरा ले लिया पहले, स्टार्टिंग का भी सिरा थोड़ा सा बड़ा छोड़ेंगे ताकि आप इसको गिठान लगा सकें, और उसके साथ वाले से ही दूसरा सिरा ले लिया, और यहाँ पे हम लगा देंगे इसको गिठान ताकि यहाँ पर हो जाएगा सिक्योर। तीन चार लगा दें ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए, और बाकी को हम यहाँ से कट कर देंगे, ये देखेंगे इस तरह से, और इसी तरीके से हमने ये हर एक डिफरेंट कलर्स में आपने चारों तरफ इसको लगा देना है, ठीक है, इसी उस पर रहते हुए, इसी क्या कहेंगे राउंड पर रहते हुए आपने एक एक या दो दो बीच से छोड़ के चारों तरफ लगाएंगे, और एक जो है वो सेंटर में लगेगा इसके, ठीक है, तो सात आएंगे टोटल साइडों में और एक जो आठवां है वो आएगा सेंटर में। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही एंड उस पर लगाएंगी तो ये यहाँ से स्टिचिंग में आपको इशू होगा। तो ये मैं सारे यहाँ पर लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ सेंटर में भी हमने जिस तरीके से एक हमारा जो लास्ट बचेगा वो हम सेंटर में लगाएंगे उसको।
हाँ जी, तो ये मैंने ऊन की सुई में ऊन को ले लिया है, ये इस तरीके से मैंने ये टेंटिकल्स लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने इसको एंड किया था, ये देखिए यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे हमने इसका स्लिप स्टिच दिया था हमारी जेलीफिश का, वहीं से हमने इसको उस तरह रखना है। और जहाँ पर हमने ये किया है ना शेल वाला, उससे जो पहला वाला राउंड है, ये इस वाले राउंड में से इसको ले लिया, फिर इसके बाद वाले टांके से इसके बाद वाली चेन में आए, फिर इसके साथ वाली चेन से गए, वापस इस वाले स्टिच से आए। इसी तरीके से आपने इस पूरी जेली फिश को स्टिचेस लगाकर चारों तरफ से इसको बंद कर देना है। बंद करने से पहले अगर आपको लगे कि स्टफिंग की और ज़रूरत है तो आपने स्टफिंग कर देनी है और उसका सही से शेप दे देना है। अभी बेचारी पूरी भौंदू सी हो गई है, तो मैं इसको हाथ से प्रेस करके इसको सही से शेप में लाऊंगी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा राउंड इसी तरीके से सी लेना है। ये देखिए हमने ओवरऑल इसको सी लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने स्टिचेस को, ये सुई को इसके अंदर से सेंटर में लाना है, और सेंटर में हमने नॉट बनानी है ताकि नॉट हमारी दिखे नहीं कि हमारा काम कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म। और यहाँ सेंटर में ये मैंने बना दी स्लिप नॉट, और फिर हम इस ऊन को छुपा देंगे। और उसको कर देंगे हम काम को कट, और ये आपकी जेलीफिश हो गई रेडी। इसको थोड़ा सा हाथ से आपने इस तरह से, अच्छा देख आपको कुछ नहीं रहा था, मैंने सब खुद ही करके किया है मतलब, ठीक है। तो ये आपकी स्टफिंग अंदर एडजस्ट हो जाएगी खुद ही, यूं यूं करेंगे हम इसको दोनों हाथ तरह, ठीक है। और ये आपके बॉर्डर आ गया। अब हम इसकी स्माइल बनाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है, बिल्कुल सबसे आसान तरीका है। थोड़ा सा पीस हमने स्माइल के लिए कट किया, और ये आपने अपना ग्लू लिया फैब्रिक, और आइस को मेजर करते हुए सही थोड़ा सा इसके आइस के नीचे से एक छोटू सी पालू सी स्माइल हम यहाँ पे बना देंगे ऐसे। और फिर इस ऊन को इस पे हम स्माइल के ऊपर स्टिक कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब आप गौर से देखेंगे तो ऊन का जो अपना फाइबर है वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। उसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि ये ग्लू गायब हो जाती है, फैब्रिक ग्लू है, सी थ्रू हो जाती है, स्माइल के ऊपर भी मैंने ग्लू लगाया, और इसको मैं थोड़ा सा इसकी मदद से नीडल की सुई की इन सारे फाइबर्स को एक तरफ लाऊंगी, जो बाकी बचेंगे उसको मैं काट दूंगी ताकि ये बाद में बुरा नहीं लगे। क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे, अगर आप स्टिक कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप स्टिच कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप स्टिक कर रहे हैं तो स्टिकिंग में ये थोड़ा सा इशू होता है। ठीक है, और बाकी जो उसके फाइबर्स हैं जो साइडों से आपको ये दिख रहे होंगे, इनको हम कट कर देंगे और उसको ड्राई होने देंगे। जैसे ही ये ड्राई होगा, ये इसकी जो स्माइल के ऊपर ये जो वाइटनेस आपको दिख रही है सब गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वंस ये ड्राई हो जाए उसके बाद फिर आपको फाइनल रिजल्ट इसका दिखा रही हूँ। हाँ जी, तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, हमारी जेलीफिश रेडी है। और उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ये बनाएं तो मेरे फेसबुक पेज पर या मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।